रात को हमको 11 बजे यहाँ से बलपूर्वक 500 पुलिस वालों उठा के अंतर कर दिया और जबरन हमारा अनशन तुड़वाने की कोशिश की गई। आज हम फिर से, हमने बोला था वही पुल होगा, लेकिन ना टेंट होगा ना दरी होगी, हम जमीन के ऊपर भी बैठेंगे। आज आप देख लीजिए पूरे जम्मू के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। ये देश प्रेमी लोग हैं, भारत माता की जय करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की जय करने वाले लोग नहीं है, पाकिस्तान के झंडा उठाने वाले लोग नहीं है जिन पे आप पीएसए लगा रहे हो। ये जम्मू के लोग हैं, जम्मू के डोगरे हैं। Currently, काफी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं एक पब्लिक हॉलीडे की ऑन द 23rd of September, दैट इज ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा हरि सिंह जी। इसमें कि काफ़ी सारे लोग पूरे जम्मू में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि डोगरा कम्युनिटी है, राजपूत है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह पे। तो चलिए इस वीडियो में आज जानते हैं हम कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन है महाराजा हरि सिंह जी और डोगरा रूलर्स कौन थे जम्मू और कश्मीर के। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीर डोगरा की धरती को आपके चौकीदार का प्रणाम। मिट्टी जाए डोगरे थे बोली, बेखंड मिठे लोग डोगरे। जम्मू एंड कश्मीर जो कि करंटली यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया की, कश्मीर तो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन जम्मू के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो जो जम्मू है ये विंटर कैपिटल है इंडिया की। तो जम्मू की जो फाउंडेशन है ये करीब 3000 साल पहले मानी जाती है, जब राजा जम्बुलोचन थे, जो उन्होंने एक तालाब के पास कुछ अजीब सा नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि एक जो शेर है और एक जो बकरी है, दोनों साथ में एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं। तो उनको ये देख के बड़ा ज़्यादा अजीब लगा। तो उन्होंने जो स्टार्टिंग है वहाँ पे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक कमज़ोर जानवर और एक ताकतवर जानवर कैसे साथ में मिलके रहते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे एक शहर बसाया जाए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो नाम था जम्मू का, उसको नाम दिया जम्बू। फिर जिस वक्त के साथ बदलते बदलते जम्मू हो गया, जो हम करंटली जम्मू इसके नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी सारे रूलर्स आए, काफ़ी सारे गए, काफ़ी सारी डायनेस्टी चेंज हुई जम्मू कश्मीर में। डोगरी जो कि मैक्सिमम लोगों की मदर टंग है जम्मू में, का जो ओरिजिन माना जाता है वो माना जाता है संस्कृत से। संस्कृत से ओरिजिनेट हुई है हमारी डोगरी, और इसी के साथ जो डोगरा लोग हैं, जो डोगरा डायनेस्टी है ये एक हिंदू राजपूत डायनेस्टी है जम्मू और कश्मीर में। इनके जो पूर्वज हैं ये जो इक्ष्वाकू हैं, इक्ष्वाकू डायनेस्टी के हैं नॉर्थन इंडिया के, ये सेम क्लैन से बिलोंग करते हैं जिसमें से भगवान श्री राम करते थे, उनको माना जाता है। जो डोगरा डायनेस्टी है जम्मू कश्मीर में, अगर इसकी स्टार्टिंग देखें तो इनका रूल स्टार्ट होता है 1846 से। सो 1846 जबकि अमृतसर ट्रीटी होती है बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा गुलाब सिंह जी। तो महाराजा गुलाब सिंह जी और ब्रिटिशर के बीच में अमृतसर ट्रीटी होती है, जिसमें कि ₹75 लाख में, उस टाइम पे 75 लाख रुपए में, जो महाराजा गुलाब सिंह है वो जम्मू कश्मीर को ख़रीद लेते हैं। तो 1846 के बाद ही स्टार्ट हो जाता है डोगरा रूल या फिर डोगरा डायनेस्टी। तो जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो फर्स्ट डोगरा रूलर थे जम्मू और कश्मीर प्रिंसली स्टेट के, और उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी सारे काम किए, जैसे कि बड़े सारे टेंपल्स वगैरह बिल्ड किए उन्होंने, और जो परमंडल एरिया है जम्मू का वो भी उन्होंने ही फॉर्म किया था उस वक्त में। महाराजा गुलाब सिंह के बाद आते हैं महाराजा रणबीर सिंह, जो कि सेकेंड डोगरा रूलर थे, और इन्होंने रघुनाथ टेंपल, जो कि मेरे ख्याल से ऑल ओवर द इंडिया फेमस है, रघुनाथ कॉम्प्लेक्स, रघुनाथ टेंपल, वो बिल्ड किया था। और उसके उनके दो बेटे थे, महाराजा प्रताप सिंह और राजा अमर सिंह। महाराजा प्रताप सिंह एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल डोगरा रूलर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी पर ध्यान दिया है और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया है। तो महाराजा प्रताप सिंह में हमें देखने को मिलता है जो फर्स्ट कॉलेज था यहाँ पे, प्रिंस वेल्स कॉलेज, जिसको अब हम साइंस कॉलेज और एमएम कॉलेज से जानते हैं, तब इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। और जो श्री प्रताप कॉलेज है श्रीनगर का, ये भी महाराजा प्रताप सिंह जी के द्वारा ही सेटअप किया गया था।
और महाराजा प्रताप सिंह जी ने एक सिल्क फैक्ट्री भी सेटअप की थी श्रीनगर में। 1920 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी सिल्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री मानी जाती थी। और महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम ड्यूरेशन में ही जम्मू सियालकोट जो कि फर्स्ट रेलवे लाइन थी जम्मू कश्मीर की, वो सेटअप की गई थी। महाराजा प्रताप सिंह जी के भतीजे जो कि थे महाराजा हरि सिंह जी। सो महाराजा हरि सिंह का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमें देखने को मिलता है 1925 से लेकर 1949 तक। तो जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने भी अपने जो कार्यकाल में काफ़ी सारे ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से जो जम्मू का जो फ्यूचर है, आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो अभी अच्छे से जी रही हैं। महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया था जिसके कारण जो जम्मू और कश्मीर है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था इंडिया का। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में जो जम्मू का डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है और जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसफ़र कर दिया था इंडिया के पास ताकि इंडिया उसे पूरा कंट्रोल कर सके। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया 1950 में तो आर्टिकल 1 के तहत जो जम्मू कश्मीर है उसको एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया और जो आर्टिकल 370 है वो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया जम्मू और कश्मीर को। तो आज हम कहीं ना कहीं अगर इंडिया का पार्ट है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न जो है वो महाराजा हरि सिंह। जो पीरियड है डोगरा डायनेस्टी का जम्मू एंड कश्मीर में, ये वन ऑफ द गोल्डन पीरियड माना जाता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, यहाँ पे कि एक जो वेलफेयर स्टेट होती है, ट्रू मीनिंग होता है वेलफेयर स्टेट का, वो हमें देखने को मिली थी जब तक डोगरा डायनेस्टी जम्मू और कश्मीर में रही थी। उसके बाद तो आज हम जो भी फैसिलिटीज़ या फिर कोई भी जो हमें सर्विस मिल रही है, बहुत बड़ा योगदान जो डोगरा रूलर्स हैं हमारा उसमें जाता है। आज जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो अपने डोगरा रूलर्स को जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं, मैक्सिमम जो टेम्पल्स हैं, 90% टेम्पल्स हैं जम्मू में, वो बिल्ड किए गए थे डोगरा रूलर्स में। जैसे रघुनाथ टेम्पल हो गया है, श्री रणबीरेश्वर टेम्पल हो गया, ये सारे जो डोगरा रूलर्स हैं हमारे उनके द्वारा डेवलप किए गए थे। जो पब्लिक हॉलीडे की डिमांड कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह के बर्थडे पे ऑन 23 सितंबर, ये सिर्फ महाराजा हरि सिंह के बर्थडे की बात नहीं है, ये एक पूरे डोगरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और महाराजा हरि सिंह जो कि लास्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के, पूरे डोगरा रूल को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनकी छुट्टी की वजह से ही जब कोई आगे आने वाली जनरेशन में कोई पढ़ेगा कि हाँ भाई इस तारीख को क्या होता है तो इस बात की छुट्टी होती है, तो जानने को मिलेगा कि डोगरा रूलर कौन थे, किस तरह के उन्होंने काम किए हैं, और डोगराज कौन है, डोगरा लोग कौन है, किस तरह का उनका कल्चर है, किस तरह की उनकी लैंग्वेज है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो सिर्फ ये एक छुट्टी की बात नहीं है, ये एक आइडेंटिटी की बात है, ये एक जम्मू कश्मीर जो आम आदमी है यहाँ का, चाहे वो डोगरा हो, राजपूत हो या फिर कोई भी हो, उसके एक पहचान की बात है कि हाँ हम डोगरे हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, जो डोगरा रूलर्स हैं इनकी वजह से ही जो J&K है आज एक इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू द डोगरा डायनेस्टी। जय हिंद, भारत माता की जय। दूध मांगेगा तो उसे खीर देंगे, पर आंख उठाकर जो देखेगा उसे छीन देंगे। बंदूक लेके खड़ा मैं जम्मू कश्मीर का सिपाही, जैसे महाराजा हरि सिंह जी लड़े लेके शमशीर। आजा जम्मू कश्मीर, खड़े हैं शूरवीर, है इंडियन आर्मी खड़ी, JK पुलिस भी। हम सबका मकसद है एक, अमन और शांति। शहादत होंगी ना जाया होंगे हालात ठीक। वेलकम टू सिटी ऑफ टेंपल्स पैराडाइज।